ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो गया है और मानसून के एक्टिव होते ही कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। चिंता की बात यह है कि जिन राज्यों में मानसून आने के पहले ही बाढ़ जैसे हालात बने थे, उन राज्यों में मानसून आने के बाद क्या होगा। तीन महीने तक शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पूरा देश झेलता रहता है, इस उम्मीद में कि मानसून के आते ही इस गर्मी से सभी को राहत मिलेगी। अब ये इंतजार खत्म हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो गया है और दक्षिण पश्चिम मानसून के एक्टिव होने के साथ ही दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, हिमालय के ऊपरी इलाकों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार को देश के कई राज्यों में बारिश का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा जो मानसून की पूरी पिक्चर समझाने के लिए काफी था। मुंबई में गुरुवार से हो रही बारिश ने महानगर की तस्वीर ही बदल दी है। महानगर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी यही हाल है। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगहों पर तो सड़क भी उखड़ गई। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई है। कुछ इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो कुछ इलाकों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है जिससे नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश के पूर्वी इलाके में भारी बारिश के बाद असम, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में जो हाल हुआ उसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी। असम में शुक्रवार को बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। काचर, लखीमपुर, बारपेटा, नगाव में हालात अब भी बहुत खराब है। बाढ़ का पानी कम तो हो रहा है लेकिन स्थिति अब भी जस की तस है। ऐसे में पश्चिमी मानसून के आने के बाद अब कई और राज्यों में बाढ़ का खतरा बनने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।